तो भाई लोग कुछ दिन पहले आई सीखते हैं चैनल के जो ओनर है सरबजीत सर, उन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी। उसके अंदर आप सभी को बताया था कि नॉन स्किपेबल एड्स को कैसे चालू करते हैं। तो आप में से जो लोगों को मालूम नहीं था, जो न्यू यूट्यूबर्स थे, उन्होंने उनका चैनल का वीडियो देखकर अपने चैनल के ऊपर नॉन स्किपेबल एड्स को ऑन किया था। लेकिन जैसे नॉन स्किपेबल एड्स को उन्होंने चालू किया, उसके बाद ही उनका जो एडसेंस की अर्निंग थी वो पूरी तरह से कम हो गई। मेरा एक फ्रेंड है, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उनका यूट्यूब चैनल का नाम है किलर किंग इंडिया। उनकी हर दिन की अर्निंग $4 से $5 थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने नॉन स्किपेबल एड्स को चालू किया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उनकी अर्निंग $0.50 हो गई। तो मतलब $4 या $5 से सीधा कम होकर $0.30 से $0.50 के बीच हो गई। ये बहुत ही कम अर्निंग थी। उसके बाद बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे मैसेज जो हमारे सर सरबजीत उनको मिलने लगे थे, उनको बहुत सारी गालियाँ भी मिलने लगी इसके बारे में कि उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो गलत बताई। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इसके अंदर ना उनकी गलती है ना आप लोगों की गलती है, ये पूरा का पूरा इशू है, वो एडसेंस का इशू है। क्योंकि यूट्यूब के अंदर आप देखते हो हर दिन कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल में आना होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा तो ये सेम प्रोसीजर आपको उसमें भी करनी है। मैं फिलहाल आपको मोबाइल में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे जो भाई लोग हैं नए यूट्यूबर्स है, उन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होगा, उसमें से बहुत सारे लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। तो आज की ट्रिक मैं मोबाइल के जरिए बताऊंगा, ये सेम प्रोसीजर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके जो चैनल का आइकॉन है वहाँ पर आपको आ जाना है। उसके बाद आपको क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको वीडियो मैनेजर में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल वीडियो सिलेक्ट करना होगा, जितने भी वीडियोस है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको एक्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक्शन में जाने के बाद यहाँ पर नीचे मोर एक्शन पर क्लिक करना होगा। उस मोर एक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो मोनेटाइजेशन है ऑफ करने का और दूसरा ऑन करने का। तो सबसे पहले आपका जो मोनेटाइजेशन है उसको ऑफ करो। आप ऑफर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दो। मैं फिलहाल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे एडसेंस के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपके एडसेंस के साथ प्रॉब्लम हुआ है इसलिए आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको ऑफ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद सबमिट करना होगा। उसके बाद 1 या 2 मिनट के अंदर आपकी जितने भी एड्स थी वो बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपको यही आना है और मोनेटाइज विथ एड्स पर क्लिक करना है। इसका मतलब है कि जो भी आपका एड्स था उसको फिर से आपको इनेबल करना है। तो उसके बाद आपको मोनेटाइज विथ एड्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको एक स्टेप करनी है, तो उसके लिए आपको चैनल में आ जाना है। चैनल में आने के बाद फिर से आपको मोनेटाइजेशन ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद भाई लोग आपको एसोसिएट एडसेंस अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको चेंज पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी, जो आपका पहले से अकाउंट लिंक है, जो आपका जीमेल आईडी यूट्यूब से वेरीफाई है, उस पर ही आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं करने। उसके बाद यहाँ पर नीचे आकर एक्सेप्ट एसोसिएशन पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो भी आपके एडसेंस की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ आप जाकर यूज अ डिफरेंट अकाउंट, यहाँ से कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। जो भी आपका पहले से जो ओरिजिनल अकाउंट था उसके ऊपर से क्लिक कर एक्सेप्ट एसोसिएशन पर क्लिक करना। उसके बाद आपका 1 या 2 घंटे के बाद एडसेंस की जो प्रॉब्लम थी वो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगी। और हर जो आई सीखते चैनल के ओनर है सरबजीत, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप YouTube मत छोड़ो, क्योंकि आप इसमें आपकी भी गलती नहीं और ना आपके सब्सक्राइबर्स लोगों की, इसमें पूरी गलती है वो YouTube की गलती है। उनका ही हर दिन टेक्निकल इश्यू हो जाता है। तो आप अपने जगह पर ठीक हो और जो सब्सक्राइबर्स लोग हैं वो उनके जगह पर ठीक है। आप इसी तरह से हम लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाते रहो, हम सारे लोग आपके बहुत बड़े फैन है। भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं हर कमेंट का आपको जैसे रिप्लाई दे दूंगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।